सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पहली बार खेलने जा रहे हैं ड्यूड थेफ्ट वॉर्स। तो गाइस, जितना बड़ा ये गेम का नाम है उतना ही बड़ा ये गेम का मैप भी है। तो गाइस, जितना बड़ा मैप होगा उतनी ही ज्यादा ये गेम में चीजें भी होगी, और चीजों से मेरा मतलब है घोस्ट। तो गाइस, अभी तक मैंने वो घोस्ट को नहीं देखा है, इसलिए मुझे पता भी नहीं है कि वो घोस्ट कैसा होगा, क्या वो लंबा होगा या फिर छोटा होगा। तो ये सब चीजें तो उसको देख के ही पता चलेगा, तो इसलिए वो गेम के अंदर जाते हैं और उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ये हॉरर या फिर गेमिंग वीडियोस पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना, ताकि आप ऐसी मजेदार वाले वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए वो घोस्ट को ढूंढते हैं। ओके, तो गाइस, हम गेम की होम स्क्रीन पे तो आ चुके हैं, तो फटाफट से ये गेम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारी गेम की स्टार्टिंग हुई है घर से, और ये घर बहुत बड़ा लग तो रहा है मुझे, लेकिन इसके बैकयार्ड भी है, तो बैकयार्ड पे जाके देखते हैं। और इधर हमारी चेयर पड़ी है, और इधर एक प्राइवेट स्विमिंग पूल टाइप भी कुछ है, और हमारे फोन में उबर नहीं का डूबर है, तो ये डूबर के फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। और घर से बाहर निकलते ही हमारे लिए गाड़ी खड़ी, वैसे दूसरे किसी की होगी लेकिन फिर भी हम यूज करते हैं इसको। वैसे गाइस, ये गाड़ी दिखने में कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन हमें तो सिर्फ घोस्ट फाइंड करना है, इसलिए गाड़ी से क्या लेना देना, अपने को तो घोस्ट फाइंड करना है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं घोस्ट कहाँ पे मिलेगा, तो फटाफट से मैप में आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक सेकेंड, इधर कुछ सिंबल है, तो इधर फटाफट से आगे देखते, शायद से इधर जॉम्बी मिल सकते हैं। तो फटाफट से गाड़ी मोड़ते और ये जॉम्बी के पास जाते। वैसे इधर एक एम्बुलेंस भी पड़ी, एम्बुलेंस या पता नहीं, लेकिन ये गेम के ग्राफिक्स GTA 5 जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। और गेम में आते ही हमारे पास 1000 रुपीज है, फिलहाल तो हमारे पास 1000 रुपीज है, लेकिन ये गेम में पैसे कैसे अर्न करते मुझे भी नहीं पता। तो हम वो साइन तक पहुंच तो चुके हैं, लेकिन इधर कुछ जॉम्बी भी नहीं है, तो इधर सिंबल क्यों दिया। वैसे हम हमारी डेस्टिनेशन तक तो आ चुके हैं, लेकिन इधर जॉम्बीज तो नहीं दिख रहे, तो फटाफट से रूम के अंदर जाके देखते हैं। ये रूम ही है, मुझे भी नहीं पता। फटाफट से गाड़ी से बाहर निकलते हैं और ये रूम के अंदर जाते हैं। वैसे ये रूम नहीं, शायद से लैबोरेटरी, और इधर डेंजर भी लिखा है, तो अंदर तो जाके देखते हैं। लेकिन इधर बहुत सारे केमिकल्स पड़े, और इधर लिखा है डू नॉट प्रेस डेंजरस, तो जो चीज़ें ना बोलते उसे हम करते हैं। लेकिन 100 सेकेंड्स का टाइमर चालू हो गया, और देखते अब ये टाइमर क्या करता है। वैसे ये टाइमर अब कम होते जा रहा है, और शिट, ये ज़ॉम्बीज आ गए, लेकिन इन्होंने चश्मा लगाया भाई, प्रो वाला चश्मा लगाया। वैसे गाइस, हम भी प्रो है ये गेम के, लेकिन ये ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा है, और ये लोग ग्रेनेड भी फेंक रहे हैं, लेकिन ये ग्रेनेड उनको ही हार्म कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इनसे बचना है या इनसे फाइट करनी है, क्योंकि अगर इनसे बच भी गए तो फिर भी ये ग्रेनेड फोड़ के खुद को ही मार लेंगे। और भाई, हमारे पास बेसबॉल बैट भी है, और हमारे पास सिर्फ अब 75 सेकेंड्स बचे हैं, तो इस 75 सेकेंड्स हमें ये इनसे एस्केप करना है शायद से। और जितना टाइम कम होता जा रहा है उतने ही ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे हैं, तो हम फटाफट से अपने व्हीकल में बैठने का ट्राई करते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बीज पूरे व्हीकल को कवर कर रहे हैं हमारे। वैसे गाइस, ये ग्रेनेड फेंक रहे, और ये ग्रेनेड ने हमें भी हार्म कर दिया, लेकिन पुलिस भी हमारे पीछे पड़ी भाई, और ये हाथ किसका है भाई। और इन्होंने 2 ग्रेनेड फेंक दिए, और हमें वापस से डैमेज पड़ चुका है। वैसे हमारी हेल्थ भी कम हो चुकी है अब तो, और अब 47 सेकेंड्स बाकी है, और ये ग्रेनेड कौन फेंक रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, और इतने सारे ग्रेनेड आए कैसे इन लोगों के पास। वैसे गाइस, ये ज़ॉम्बी अब बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ये ज़ॉम्बी। हमारे पास अब सिर्फ 37 सेकेंड्स बाकी है, और हमने पुलिस तो एस्केप कर ली, लेकिन अब ज़ॉम्बीज को एस्केप करना है। वैसे हमें अब घोस्ट फाइंड करना था, लेकिन ये ज़ॉम्बीज पीछे पड़ गए, तो इनसे निपटते और फिर घोस्ट को फाइंड करते हैं। वैसे अब सिर्फ 26 सेकेंड्स बाकी है, तो ये ज़ॉम्बीज को हैंडल करना है, लेकिन ये ग्रेनेड खुद के ऊपर ही फेंक रहे, लेकिन ये फेंक कौन रहा है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। वैसे गाइस, ये ज़ॉम्बीज ने VR लगाया हुए, और आधे ने टोपी पहने, आधे ने प्रो का चश्मा पहना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ज़ॉम्बीज पहले इंसान थे शायद से। वैसे गाइस, जब हमने ग्रेनेड फेंका तब ये लोग नाचने लगे, लेकिन इनका ग्रेनेड हमें डैमेज कर रहा है। और अब सिर्फ 8 सेकेंड बाकी है, 7 6 5 4 3 2 1, और फाइनली ज़ॉम्बीज गायब नहीं हुए भाई, क्या सीन है, ज़ॉम्बीज गायब कैसे नहीं हुए। और ये ग्रेनेड खुद के ऊपर फेंक रहे, आधे लोग मर रहे हैं, और अच्छा ये ग्रेनेड फेंक रहा है, समझ में आ गया। और हमारे पैसे बढ़ गए कैसे, लेकिन वो समझ में नहीं आया मेरे को। 1095 हो गए हमारे पास, शायद से 1700 थे, और ये ज़ॉम्बीज सारे ख़त्म हो गए, और ये ग्रेनेड वाला बचा है सिर्फ। और भाई, अब इसको देखते हैं ग्रेनेड कैसे फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, इसको हमारे पास बैट तो है, तो इसको मार के देखते एक बार, ये मरता भी है या फिर ये भी ज़ॉम्बी। और एक सेकेंड, इसने खुद को भी मार लिया और हमें भी मार लिया, लेकिन अब हमारे पास 2000 रुपये हो गए, 2008 रुपीज़। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अब घोस्ट की ओर बढ़ते, लेकिन हमारी गाड़ी गायब हो चुकी है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। लेकिन अब मुझे अब याद आ गया, मेरे पास डूबर भी है, डूबर है, तो हम यहाँ से एक गाड़ी मंगा के देखते हैं। तो हम लैम्बोर्गिनी मंगाते हैं, और गाइस मैंने लैम्बोर्गिनी मंगा लिया है, वो भी डूबर से, तो हमारी लैम्बोर्गिनी इंस्टेंट डिलीवरी हो गई भाई, और येलो लैम्बोर्गिनी है। तो ये फटाफट से बैठते इसके अंदर, और देखते हैं ये गाड़ी कितनी फास्ट चल सकती है। वैसे गाइस, हमें तो अब घोस्ट फाइंड करने, तो फटाफट से मैप देखते हैं घोस्ट कहाँ पर मिलते हैं।
वैसे मैंने जहाँ तक सुना है वो घोष्ट तो कब्रिस्तान तक मिलता है, और ये मैप में कब्रिस्तान अब ढूंढना पड़ेगा हमें। तो ये मैप शायद से ये दो आइलैंड में बटा हुआ है, और ओके मुझे समझ में आ गया, इधर राइट साइड एक एयरपोर्ट है और इधर शायद से हो सकता है कब्रिस्तान हो सकता है। हाँ हाँ, इधर शायद से मिलिट्री बेस है और नीचे कब्रिस्तान है। तो फटाफट से इधर मैप लगाते हैं और कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। और भाई हम अपनी लैम्बोर्गिनी फुल स्पीड में चलाने वाले हैं, तो ये लैम्बोर्गिनी को जंप कराते, देखते ये गाड़ी कितनी दूर जाती है। वैसे गाइस ये गाड़ी फ्रंट फ्लिप मार रही है, और भाई तीन चार चार फ्रंट फ्लिप मार गई, लेकिन ये गाड़ी का दरवाज़ा टूट चुका है। वैसे ये गाड़ी को फिर भी हम भगाते हैं, ये गाड़ी चलने लायक तो है इसलिए भगाना तो बनता है ये गाड़ी को। और हमारी गाड़ी ड्रिफ्ट कर रही है, और भाई ये गाड़ी कितनी दूर ड्रिफ्ट कर रही है, वैसे 200 मीटर हो गए ड्रिफ्ट करते करते। और हमारी गाड़ी अब फिलहाल तो सेफ है, लेकिन ये गाड़ी सामने से आ गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। लेकिन भाई हमारी लैम्बोर्गिनी, भाई लैम्बोर्गिनी का नैनो बन गया। वैसे अब लैम्बोर्गिनी मतलब नैनो को चला के अब घोष्ट के पास पहुँचते हैं। हम घोष्ट के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, अब सिर्फ एक राइट टर्न लेना और हमारे पास घोष्ट आ जाएगा। लेकिन हमारी गाड़ी वापस से ड्रिफ्ट करने लगी, और अब हमें वापस से एक लेफ्ट लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है भाई। वैसे अगर हम घोष्ट के पास पहुँच भी गए, लेकिन वो दिखेगा नहीं हमें, क्योंकि अभी तो सुबह है और घोष्ट रात को आता है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा घोष्ट के पास जाने से पहले। लेकिन हमारी गाड़ी पहले ही क्रैश हो चुकी है भाई, और एक घोष्ट भी नहीं चाहता कि हम उसके पास आए। हमारी लैम्बोर्गिनी पानी के अंदर चली गई, लेकिन हमारे पास दूसरे भी तो रास्ते हैं, हम दूसरों की गाड़ी चुरा के जाते हैं। इधर दो गाड़ी पड़ी है, मतलब एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इनमें से ओ भाई एक गाड़ी ने हमें ठोक दिया। वैसे हमें 2 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं, लेकिन हमें एक गाड़ी उठानी पड़ेगी, और ये गाड़ी मिल चुकी है हमें, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है। लेकिन फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसको मैं हैंडल भी नहीं कर पा रहा, इतनी फास्ट है। वैसे गाइस ये गाड़ी से गए तो हमें 1 घंटा लग जाएगा पहुँचने में, लेकिन फिर भी हमें जाना तो पड़ेगा। वैसे गाइस अगर ये गाड़ी से गए तो भूत भी मर जाएगा। एक सेकंड, भूत कैसे मरता है भाई? भूत तो मर के भूत बनता है, लेकिन फिर मरने के बाद कैसे भूत बनता है? वैसे ये सब बातें छोड़ते हैं, हमें गाड़ी मिल चुकी है। और एक वैसे ये मिलिट्री की जीप लग रही है मेरे को, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो घोष्ट ढूंढना है। लेकिन हमें एक बाइक मिल चुकी है इधर, और भाई ये बाइक को कंट्रोल कैसे करना है? अच्छा खड़ी हो गई ये बाइक। वैसे अब हमें घोष्ट ढूंढना तो है, लेकिन मुझे भी नहीं पता अब घोष्ट सुबह निकलता है या नहीं। वो घोष्ट का आज शायद से उपवास होगा इसलिए नहीं निकलेगा, लेकिन भाई घोष्ट का कब से उपवास होने लगा? हमें अब बाद में आना चाहिए, क्योंकि ये घोष्ट अब तो नहीं निकलेगा, इतना गारंटेड है। अब हमें दूसरी कहीं पर जाना होगा, वो घोष्ट को थोड़ा टाइम देते निकलने में, इसलिए हम अब दूसरी जगह पे जाते हैं और दूसरी जगह मैप में ढूंढते हैं। वैसे मिलिट्री बेस है एक, लेकिन मिलिट्री बेस अब आने नहीं देंगे, क्योंकि अब मिलिट्री बेस में चले गए तो वो घोष्ट के बाजू में हम ही खड़े रहेंगे, इसलिए एक दूसरे आइलैंड पे जाते हैं। और ये दूसरे आइलैंड में शायद से हमें हॉरर एक्टिविटी देखने मिल सकती है, क्योंकि ये घोष्ट के एग्जैक्ट बाजू में ही है। तो हमें जाना तो होगा इधर, लेकिन घोष्ट को ढूंढना कैसे वो नहीं पता, क्योंकि घोष्ट का आने का टाइम मुझे भी नहीं पता। और अभी हमारे पास सिर्फ कितने सेकंड है, सेकंड भी नहीं, शायद से घंटे पड़े हमारे पास, कब तक घोष्ट निकलेगा? वैसे घोष्ट का ऐसे मुहूर्त होता है क्या निकलने का? वैसे अब हम पहुंच तो चुके हैं। वैसे ये बहुत मिस्ट्री आइलैंड है, ये आइलैंड क्या नाम है इसका, ओएसिस पता नहीं क्या नाम है। वैसे ये आइलैंड में हमारी बाइक फंस चुकी है और निकल गई वैसे तो बाइक, लेकिन ये आइलैंड में ज़्यादा कुछ है नहीं, इधर ना ही कोई लोग है। वैसे इधर कुछ दरवाजे टाइप बने पड़े हैं, लेकिन यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई, हमारे वापस से घोष्ट बन जाएगा इधर। वैसे अब घोष्ट का निकलने का टाइम हो चुका है, लेकिन घोष्ट रात को निकलता है या फिर शाम को निकलता है वो मुझे भी नहीं पता। और इधर एरो, ओ भाई हमारी बाइक अंदर चली गई कैसे? अच्छा निकल गई। वैसे ये क्या है, पत्थर का गेट या फिर पत्थर की कुछ मूर्ति है, पोर्टल भी हो सकता है दूसरी दुनिया का, मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, हमें घोष्ट ढूंढना है। वैसे ये रिमूव कर देते हैं, और हमारी बाइक भाई इसको लेटने का बहुत शौक है वैसे तो, और यहाँ से निकलना होगा हमें। अब घोष्ट के निकलने का टाइम हो चुका है, हमें भी निकलना होगा। वैसे इधर ब्रिज दिया तो मैं नीचे से क्यों जा रहा हूँ? वैसे भाई ये ब्रिज हवा में लटक रहा है, और ये हवा वाला ब्रिज है, ये इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हम, ये कभी भी गिर दे। लेकिन एक सेकेंड, ये आदमी दिख चुका है मुझे, और ये आइलैंड से निकल रहा है, ये घोष्ट हो सकता है, लेकिन नहीं है भाई। तू इधर इतनी रात को क्या कर रहा है? निकल यहाँ से जल्दी, चल निकल। और इधर सामने प्लेन गया, लेकिन इसको निकालते पहले यहाँ से, तुझे बचाएंगे हम, तू जा, तुझे हम बचाएंगे, तुझे हम घोष्ट के चंगुल में नहीं आने देंगे। अच्छा ये खुद ही घोष्ट बन गया, चलेगा। हाँ मैंने इसका कुछ नहीं किया, मैंने इसको नहीं मारा, और एक आदमी को देखा था मैंने, और ये रहा। और भाई अच्छा इसको छोड़ते, अब हम बाइक उठाते हैं, हमारी माउंटेन बाइक है। वैसे भाई हमें यहाँ से भागना पड़ेगा इससे पहले कि घोष्ट वापस से चला जाए। लेकिन वो आया कब था, जाएगा कब,
अच्छा मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब हमें घोस्ट को वैनिश्ड क्या होता है, अच्छा हमने शायद से पुलिस एस्केप कर ली। और मैं क्या बोल रहा था कि हम अब घोस्ट के पास जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और सामने पुलिस की गाड़ी है और अच्छा पीछे ही कब्रिस्तान है हमारे, हम यू टर्न मारते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अब घोस्ट हमें फाइनली दिखेगा, फाइनली हमारा घोस्ट सामने। एक सेकंड, ये क्या है? अच्छा ये आदमी है और ये हमें सामने घोस्ट दिख चुका है। और गाइस हमें एग्जैक्ट 12 बजे रात के वो भी घोस्ट के सामने हम आ चुके। अच्छा 12 नहीं बजे, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कट कर देना, ये कट कर देना, 12 नहीं बजे वैसे। और भाई इधर हमें घोस्ट नाचते हुए दिख रहे भाई, एक सेकंड, नाचते हुए भाई, भूत को पहले बार नाचते हुए देखा मैंने। वैसे इधर एक स्केलेटन भी और दो घोस्ट है, वैसे तो इधर अच्छा नाच रहे ये लोग। चल मैं भी नाचता हूँ, ये ले एक नाच ले। और भाई भाई गुस्सा हो गया क्या, मारने आ रहा है? अच्छा ये, अच्छा हाँ हाँ डर गया डर गया। अच्छा तुम दोनों क्या देख रहे हो भाई, वो चला गया, तुम दोनों का लीडर चला गया, तुम दोनों क्यों खड़े हो, तू भी चला गया जा। इधर मकड़ी भी है गाइस, इधर मकड़ी भी है और ये जिंदा नहीं है, शायद से जिंदा नहीं है, शोबिस के लिए रखी है। और भाई इधर बहुत सारी कब्र है और वो स्केलेटन भाई आगे जाके भी नाचने लगा। ये भूत ये कैसा है, ये ग्रेनेड नहीं, पैसा नहीं देना, एक चमेट ले तू। और एक सेकंड, लगी नहीं भाई, लग नहीं रही इसको, एक सेकंड इसको देखना पड़ेगा भाई। अच्छा एम भी कर सकते हैं हम, और वैसे लैम्बोर्गिनी है इधर, अच्छा मुझे लगा कि कोई अच्छी गाड़ी होगी। और भाई वैसे लैम्बोर्गिनी भी अच्छी, लेकिन ये भूत इधर नाच रहा है एकदम रात को 12:30 नाच रहा है इधर। और भाई ये मर एक सेकंड, भूत मर गया, भूत कैसे मरता है? ओ भाई अच्छा भूत मर गया, वापस अब दूसरा भूत बन जाएगा। वैसे गाइज ये भूत कैसे मरते हैं, वो पहली बार भूत मरते हुए देखा है। वैसे गाइज हम एक सेकंड, भाई सुपरा भाई भूत को जा रहे थे, ये सुपरा दिख चुके हैं हमें। एक सेकंड, ये सुपरा को लेना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो जाए सुपरा को तो लेना ही है। एक सेकंड, वो जिप्सी वापस सामने खड़ी, मिलिट्री की जीप सामने खड़ी है, हमें सुपरा को लेना है भाई, कुछ भी हो जाए किसी भी हालत में हम सुपरा को लेना ही है। और भाई कहाँ तगड़ी लग रही है सुपरा, वैसे एक गेट टूट चुका है लेकिन सुपरा तो सुपरा ही है भाई। और एक सेकंड, ये भाई मैंने कुछ नहीं किया फिर भी ये आके भिड़ गया हमें, और पुलिस पीछे पड़ गई, और पुलिस वैसे दिखते नहीं रही है लेकिन सुपरा सामने ही खड़ी है। सुपरा को तो हमने किसी भी हालत में लेना ही है। गाइस जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और मैं जो नहीं बोलता वो मैं नहीं करता। और हमें सुपरा मिल चुके हैं, मैंने बोला था सुपरा लूँगा लेकिन मैंने सुपरा ले लिया। और इधर गाने बज रहे लेकिन भूत डांस नहीं कर रहे, तो हमें वैसे सुपरा मिल चुकी है, भूत को भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब हमें वीडियो एंड करनी चाहिए, लेकिन वीडियो ऐसे एंड नहीं होगी गाइस, हमें कुछ तो ऐसे खुराफत करनी होगी जिससे हम फंस जाए और फिर वीडियो एंड हो। तो हमें ऐसे कोई खुराफत करने अब सिटी में जाना होगा, तो हम सिटी का मैप लगा देते हैं और फटाफट से सिटी की ओर बढ़ते हैं। वैसे सिटी में कहाँ पर जाए हम, इधर तो जा सकते हैं लेकिन नहीं जाना। और इधर मुझे फार्म दिखाई दे रहा है, इधर जॉम्बिस का भी सिंबल था, फार्म भी है, तो क्या करना है? इधर माउंट चिलियर्ड है, इधर बहुत सारी दुकानें हैं, इधर फार्म भी है, हम शायद से फार्म में जा सकते हैं। और इधर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, तो इधर फार्म में जाते हैं और फटाफट से हमारे सुपरा को भगाते हैं भाई। सुपरा बहुत तेज़ी से जाएगी वैसे तो, और ओ भाई क्या भाग रही है सुपरा, ये सुपरा में नाइट्रो भी लगा है, नाइट्रो यूज़ करके फटाफट से भागते हैं यहाँ से, इससे पहले कि वो शिट भाई सुपरा हमारे से छूट गई। अरे यू टर्न मार के वापस कैसे आ रही है? एक सेकंड भाई, सुपरा यू टर्न मार के नदी के अंदर चली गई। वैसे गाइस अब हम सिटी में कैसे जाए? गाइस सुपरा चली गई तो क्या, वो हमारे पास उड़ने वाली गाड़ी है भाई, फटाफट से गाड़ी में बैठते और ये सच्ची में उड़ती। ओ भाई ये सच्ची में उड़ती है गाड़ी, मुझे लगा मजाक करोगे लेकिन ये गाड़ी सच्ची में उड़ती है भाई। तो फटाफट से उड़ा के देखते हैं गाड़ी को, और अच्छी उड़ रही है वैसे, और इसमें नाइट्रो भी है भाई, क्या भागती है गाड़ी, सही में बहुत तेज़ है ये गाड़ी। वैसे तो सुपरा भी अच्छी थी लेकिन ये गाड़ी बहुत अच्छी है, और पानी के अंदर भी चलती है गाइस, हवा में उड़ने वाली गाड़ी को हमने पानी में चला दिया फाइनली। और हमारे पास अब 20-30 रुपीज़ हो गए, हमारे पास वीडियो की स्टार्टिंग में सिर्फ 1000 रुपीज़ थे और अब हमारे पास 2000 हो गए, हमें 1000 रुपये कहाँ से मिल गए वो मुझे भी नहीं पता वैसे, लेकिन मिल चुके हैं तो अब इस्तेमाल कहाँ करना है इसका पता नहीं। लेकिन हम हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले, लेकिन इधर कुछ है नहीं वैसे, रात के 12 बजे कौन ही होगा शहर में वैसे तो। और हमारी गाड़ी उल्टी हो चुकी है वैसे,
और हमारी गाड़ी वापस से उल्टी हो चुकी है। हमारी गाड़ी अब सीधी जा रही है वैसे, लेकिन इधर कुछ है भी नहीं, इधर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हम डेस्टिनेशन पे तो आ चुके हैं, लेकिन इधर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ गाइस। वैसे गाइस हमारे पास अगर उड़ने वाली गाड़ी है तो फिर हम वो बटन दबा के देखते हैं, ज़ॉम्बी पीछे पड़ जाएंगे तो क्या होगा। हमारे पास उड़ने वाली गाड़ी है और भाई इधर लैपटॉप पड़ा है, गेमिंग लैपटॉप हो सकता है, और ज़ॉम्बी आ चुके हैं। लेकिन अब मुझे चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम गाड़ी में बैठते हैं और फाइनली हम ये ज़ॉम्बीज गाड़ी में कैसे मार रहे हैं। अच्छा अब नहीं मार रहे, हम उड़ गए, हमारी गाड़ी ने उड़ा दिया हमें, और हमारी गाड़ी खुद भी उड़ चुकी है, और हमारे अब ज़ॉम्बीज कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। और ये ज़ॉम्बी हमारे नीचे आ चुका है, लेकिन ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा गाइस। हम बहुत ऊपर हैं इनसे, ये लोग हमें नहीं पकड़ सकते वैसे तो, लेकिन हमें फिर भी सावधान रहना पड़ेगा, क्या पता वो सुपरा जैसे ये गाड़ी भी हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी से चलानी होगी। और हमारी गाड़ी क्रैश हो रही है, और इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं गाइस। 50 सेकंड्स में इधर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, हम सिर्फ 50 सेकंड्स बाकी है ये ज़ॉम्बीज को एस्केप करने में। वैसे अब ये ज़ॉम्बीज लोग ग्रेनेड नहीं फेंक रहे, अच्छा शायद से वो ग्रेनेड फेंकने वाला मर गया सुबह ही, अब वो ज़ॉम्बी ग्रेनेड नहीं फेंक सकता। और हमारी गाड़ी भाई ड्रिफ्टिंग कर रही है हवा में, बहुत तगड़ी ड्रिफ्टिंग कर रही है गाड़ी, और इधर बहुत सारी विंड मिल है करने। एक सेकेंड भाई, यूएफओ कैसे, क्या जादू वादू आया था क्या मंगल से, हमारी गाड़ी इधर अटक गई वैसे तो, लेकिन फिर भी अब ये ज़ॉम्बी हमें पकड़ लेंगे गाइस। फटाफट से यहाँ से भागते हैं इससे पहले कि ज़ॉम्बीज पकड़ ले, और भाई हमारी गाड़ी वैसे भी ये ज़ॉम्बीज को मार रही है, लेकिन यूएफओ हमारे हाथ से जा रहा है। भाई जादू रुक जा, जादू तेरे को धूप दिलाता हूँ मैं, वैसे रात है लेकिन फिर भी धूप का जुगाड़ मैं कर लूँगा, लेकिन रुक जा भाई एक सेकेंड, जादू इतनी सी यूएफओ में कैसे आ गया। वैसे जादू भी तो छोटा ही था, वैसे इसकी हाइट बहुत छोटी थी। वैसे ये यूएफओ पानी के अंदर चले गया, वाटरप्रूफ यूएफओ, हमारी गाड़ी वैसे भी वाटरप्रूफ ही है, लेकिन ये यूएफओ वाटरप्रूफ है, हम ये यूएफओ को पानी में डालते हैं इससे पहले कि ये मंगल में जाके हमारी खबर फैला दे और दूसरा एपिसोड बनाना पड़े हमें। हम फटाफट से जादू को पानी में डालते हैं, और हमारा जादू पानी में चल चुका है, मतलब पानी में जा चुका है, और हमने जादू को अब मार दिया। फाइनली हम ऊपर आ सकते हैं, और हमारी गाड़ी भाई रोल कर रही है और क्रैश हो गई हमारी गाड़ी वैसे तो। और एक सेकंड, दूसरा यूएफओ, दूसरा जादू कहाँ से आ गया बे, जादू दूसरा पहली बार देखा है मैंने। वैसे इसको भी मारते गोली, क्योंकि ये वैसे भी पानी में ही जाने वाला है। तो हम यहाँ तक तो आ चुके हैं, लेकिन अब क्या करें। वैसे हमारे पास अब 2078 रुपीज़ हो गए कैसे पता नहीं, और हम सिटी एरिया में तो आ चुके हैं वैसे, और हमारी गाड़ी क्रैश हो चुकी है। और भाई ये रास्ते में क्यों भटक रहा है, ये रात को इतने 12 बजे लोग रास्ते में भटकते हैं, और हमारी गाड़ी भी क्रैश हो रही है इधर। ये गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो चुका है, मैं इसके कंट्रोल्स बिगड़, मतलब मेरे से इसने क्या बोल रहे हो भाई, मुझसे ये गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही। और अब क्या करें, ये सिटी में करने के लिए कुछ है भी नहीं हुई, हमारे पास 2000 रुपये, इसको इस्तेमाल कहाँ पर करें, पूरी सिटी में ढूंढना होगा हमें, कुछ तो होगा ना ऐसा गेम, रेलवे स्टेशन, गेम स्टेशन कुछ तो होगा। एक सेकंड भाई मोबाइल चला रहा है रात को, वो भी इतनी क्या देख रहा है, अच्छा हमारा चैनल देख रहा है, अच्छा देख ले जो क्या सब्सक्राइब नहीं किया, क्या तूने सब्सक्राइब नहीं किया, अच्छा कर रहा है, लेकिन आईपैड तो ऑफ है क्या, सब्सक्राइब कर जल्दी कर। अगर गाइस आप भी ये चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और इसको देखता हूँ मैं भाई गुस्से से देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं किया पहले तो। और ये एक सेकंड, ज़ॉम्बी ग्रेनेड फेंक दिया भाई ये ज़ॉम्बी ने, वापस वो ग्रेनेड वाला आ चुका है, और हमारे पास 2000 अब 100 रुपये हो चुके हैं। और एक सेकंड, ज़ॉम्बी हमें मार रहे वैसे, लेकिन ये ज़ॉम्बी आ कैसे गए, ये टाइमर तो ख़त्म हो गया ना, और ये ग्रेनेड भी फेंक रहे, क्या सीन है भाई। और ये झूले पे चढ़ जाते हैं, ये झूले पे तो नहीं आएंगे भाई, लॉजिक मेरा मस्त है वैसे, झूले पे ज़ॉम्बीज नहीं आएंगे, हम वॉलमार्ट में चले जाते हैं, मतलब मार्ट में चले जाते हैं। और भाई इधर कैश पड़ी है भाई, ये ज़ॉम्बीज हमें देख नहीं सकते क्या, वैसे कैश तो उठाते हैं हम, फटाफट से कैश उठाते हैं, और कैश ओ भाई ज़ॉम्बीज मार रहे हैं सही में, यहाँ से भागना पड़ेगा, बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके हैं अंदर। वैसे गाइस हम आ तो चुके हैं बाहर, लेकिन ये ज़ॉम्बीज दीवार के आर पार जा रहे हैं, क्या सीन है भाई। और यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से भागते हैं, ज़ॉम्बीज दीवार के आर पार जा सकते हैं, तो हम यहाँ से निकलने का कोई तरीका ढूंढते हैं। वैसे हमारे पास ग्रेनेड भी बहुत सारे हैं, हमारे पास बहुत सारे वेपन्स भी है, हम ऊपर आ चुके हैं इसके, और ये ज़ॉम्बीज हमारा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत टाइम पास कर लिया, इधर सामने वाटर फाउंटेन भी दिख रहा है मुझे, वाटर फाउंटेन, और इधर गाने भी चल रहे हैं भाई। तू इधर ज़ॉम्बीज पीछे पड़े तो क्या गाने पे नाच रहा है, जल्दी निकल यहाँ से, मैंने इसको बचा लिया गाइस,
तो इसके लिए एक लाइक कर देना, मैंने इतने पुण्य का काम किया इसलिए एक लाइक कर देना। और अब कैमरा खोलते हैं और इनके साथ एक सेल्फी लेना तो बनता है। और सेल्फी चीज़ भाई सेल्फी आ गई गाइस, ये आज की थंबनेल हो सकती है। और ये जॉम्बीज क्या हो भाई, सेल्फी के नाम से ही डर। तो चलो तो यार आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, मैं ऐसे जॉयफुल गेमिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमें मार रहे फटाफट से ऐसे भागते, आप वीडियो को लाइक कर देना।